भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, अपने अपने वादे करती है, जिले के विकास की बात करती है। हम ये मानते हैं कि हरदा जिले में विकास काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ गुंजाइश है। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री कमल पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जी जैन, प्रवक्ता अशोक जी गुर्जर, विशाल सिंह जी बघेल, डॉक्टर विशाल सिंह बघेल, देवी सिंह जी सांखला जैसे कई कद्दावर नेता, मनोहरलाल जी शर्मा जी जैसे नेता हमारे बीच उपस्थित थे। वे आज जनता को अपने जवाब देंगे कि आपको हरदा जिले में ऐसी क्या समस्या आज नज़र आती है, क्या समस्या है हरदा जिले में। हरदा जिले में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अगर हम खेती किसानी की बात करें तो अभी भी किसानों को जो नकदी में दिक्कतें आती हैं उसके लिए चांदे मीनारे अभी तक नहीं लग सके। हमारे बड़े भाई यहाँ कमल पटेल भी उपस्थित हैं जो राजस्व मंत्री भी रहे, पर पता नहीं क्यों उनके कार्यकाल में भी किसानों की ये समस्या अभी तक क्यों हल नहीं हुआ। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके जनप्रतिनिधि। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से, 60 साल इनकी सरकार रही, 50 साल मध्य प्रदेश में, 60 साल केंद्र में, कहीं सड़क नहीं थी, कहीं 1 किलोमीटर गाँव में करोला हो, हरदा खुर्द हो, पिड़गांव हो, यहाँ नन्हेलाल जी पटेल 10 साल विधायक रहे, उनका गांव रनाई हो, ये इनका गांव हेमंत डाले जी का टुकड़ा हुआ, दो जो रोड चलेगा हरदा नगरदार हो, कहीं भी रोड नहीं थी। और आज 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ सड़क नहीं है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो या पीएम मोदी की सड़क हो, हर गाँव में सड़कों में घोड़ा है, सड़क बिजली। पहले एक सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या है। मैं आ रहा हूँ उसमें सब्जी, देखिए विकास होता है दो प्रकार का, एक होता है आधारभूत ढांचे का विकास और एक होता है व्यक्तिगत विकास। मैं सड़कों के मामले में बताया, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, सड़कों के मामले में और बिजली के मामले में और पानी के मामले में, सिंचाई के मामले में, हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 51 जिलों में हरदा जिला ऐसा है जहाँ 86% हमने सिंचित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने हाथ पकड़ के घोषणा करवाई कि 100% सिंचित करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि नर्मदा सेवा यात्रा में 6 माह में कहीं भी 6 महीने की यात्रा में एकमात्र मैंने घोषणा करवाई है, बाकी कहीं घोषणा नहीं की। दोगले जी पर आरोप है कि इन्होंने 5 साल में कहीं कोई काम नहीं किया, भाजपा का आरोप है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, और केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा जब उठता है तो इनके ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने रॉयल्टी चोरी करके अपनी स्कूल बनाई है, क्या कहते हैं दोगले जी? देखिए रॉयल्टी अगर चोर के स्कूल बनाई तो पूरी जांच करा ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और खुद अपना बताएं कि अपने कितनी रेतें चोरी की है, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने और कितनी रेतें चोरी करते हैं। रेत का मुद्दा पूरे देश में उलझ रहा है, प्रदेश में चल रहा है हरदा का मुद्दा, उसके बारे में मुझे बोलना नहीं। मैं आरोप प्रत्यारोप लगाता नहीं किसी के ऊपर, मैं अपना काम करता हूँ। और काम में रोड देखिए, हंडिया से लगा के टेमागांव तक, हरदा से टेमागांव कितनी अच्छी रोड बनी है। आप मगरदा रोड जाके देखिए, अतरसमा रोड देखिए, राता तलाई रोड देखिए, चारुआ से दाऊदरपुरा रोड देखिए, रोड कितनी अच्छी बनी है। 29 स्कूल बनवाई है, 20 स्कूल नहीं बनवाई है, इसे 54 स्कूल हमने बनवाई है। तो वो कहाँ से बनी है, वो किसने बनवाई है? इसके साथ ही बहुत सारे यहाँ आप काम देखिए, काम देखने से दिखते हैं। आप अगर 20 साल में कुछ कर देते तो पता लग जाता। गांव में हमने अगर देखें, अगर कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं अगर विपक्ष वाले, तो विपक्ष के हमारे विधायक जी थे, उनके गांव में राता तलाई में हाई स्कूल अभी मैंने खुलवाई है, और पहले हाई स्कूल भी नहीं था। राज मंत्री के गाँव में कांग्रेस के विधायक ने स्कूल खुलवाई, आप विधायक रहे 20 साल, आपने स्कूल नहीं खुलवा पाए अपने। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की, अभी ये कह रहे हैं भाजपा की मध्य प्रदेश में सरकार है, सुनिए एक वीडियो बात सुन लो, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, कोई काम नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे प्रदेश के सैकड़ों हायर सेकेंडरी स्कूल खुलाए और 1-1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी, अकेले हरदा में नहीं है, पूरे प्रदेश में। और दूसरा विधायक जी कह रहे हैं कि हंडिया से हरदा और हरदा से टिमरनी टेमागांव रोड देखो कितनी अच्छी चकाचक बनी है। तो मैं बताना चाहता हूँ विधायक जी, आप सांसद नहीं है, आप केंद्र सरकार आपके अंतर्गत नहीं आती, सांसद ज्योति ध्रुवे हैं। और गडकरी जी ने वो रोड स्वीकृत किया इंदौर से बैतूल तक का, वो नागपुर 4 लेन रोड, और वो स्वीकृति भी स्टेट हाईवे, आपकी सरकार में सिंगल रोड थी, स्टेट हाईवे नहीं थी, बगैर स्टेट हाईवे को हमने नेशनल हाईवे घोषित करवाया, तो ज्योति ध्रुवे भारत सरकार ने किया है। आज जो भी विकास दिख रहा है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देन है, 50 साल तक आपकी सरकार रही। और रोड की बात कर रहे हैं, अरे आपके 1 किलोमीटर कहीं रोड नहीं बनी थी, जो भी बना है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना, हरदा जिला जो भी काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, क्या कहेंगे आप? अभी
पूर्व मंत्री जी ने कहा कि अभी जो काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में, अभी वो जिला बनाने का श्रेय ले रहे थे, तब मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? तो फिर जिला किसने बनाया? और ऐसा नहीं कि हरदा अकेला जिला बना था, 16 जिले बने थे। वो माचक नहर का श्रेय लेते हैं, उस वक्त मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर तब ये काम आप अपने नाम पे ले रहे हो, तो फिर अगर अभी विधायक अपने श्रेय ले रहे हैं तो क्या गलत? सरकार किसी की भी हो, श्रेय जिसको लेना है वो ले सकता है। रोजगार की बात चल रही भाई साहब, सीटों की बात नहीं चल रही वर्तमान स्थिति में। आप हर साल 2000 से 2500 स्टूडेंट पास करके ऑनर्स में निकाल रहे हो, उनकी क्या व्यवस्था कर रहे हो? आप सीट तो बढ़ा रहे हो, आप हर चीज़ का श्रेय ले रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने कभी रोजगार की बात करी? रही बात अभी ट्रैफिक नियम, जो अपने ट्रैफिक है वो सुधारा जाए, आपस में दोनों ना लड़े। ये अभी जो जब मैं सुबह घूमने जाती हूँ तो यहाँ से भारी वाहन जो प्रताप टाकी से निकलते हैं, इसका रास्ता दूसरी तरफ से बनाना चाहिए, ये मैं सबसे निवेदन कर रही हूँ। इससे बहुत सारी असुविधाएं हो रही है, ये आम जनता की आवाज़ है। और से भाई सूरज भैया से ये निवेदन नगर पालिका के अध्यक्ष की कि पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था जीरो हो चुकी है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी गलियों में सुधारा जाए, नगर पालिका सुधारे। पूरे पत्थर रेत गिट्टी पड़े हुए हैं, आम जनता को बड़ी दिक्कत जा रही है, बाहर निकलने में दिक्कत जा रही है। चाहे जो टेंट लगा लेता, कोई भी टेंट लगा नगर पालिका से परमिशन से लगा, कोई भी मटेरियल डाले नगर पालिका की परमिशन से लगा, ये नगर पालिका का क्षेत्राधिकार है। क्या हम तो वो लोग हैं जो गम में साथ छोड़ेंगे? हम तो वो लोग हैं जो रिश्ते नाते न छोड़ेंगे। अरे हम तो वो हम सफर हैं जो आपकी से सुख जाए तो अपने साथ से जोड़ देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने भी सिंचाई का रकबा हरदा जिले में नहर से सिंचित हो रहा है वो केवल कांग्रेस की देन है? एक मिनट और हाँ, उसके अलावा जोड़ देंगे, इमली ढाना के अलावा भी 3 योजनाएं स्वीकृत हुई थी, लघु सिंचाई योजना है वो कहाँ है? और दूसरा एक घोषणा है, उस वक्त हमारे मंत्री जी ने, उस वक्त हमारे मंत्री जी ने कजबेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना की घोषणा की थी, शायद भूमि पूजन भी किया होगा। अब उस योजना का क्या हासिल हो रहा है? कुल मिलाकर अंग्रेज और राजा महाराजा और कांग्रेस के 50 साल में सिंचाई हुई है मात्र मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर 2003 तक, और 2003 से लेकर 2018 तक 7.5 लाख से बढ़ाकर हमने कर दी 40 लाख हेक्टेयर। बिजली का जवाब, बिजली कुल 2990 मेगावाट थी जब हमको 2003 में सरकार मिली, और आज 18,500 मेगावाट से ज़्यादा है 24 घंटे काम में बिजली मिली। सुनिए, सड़कें हरदा से हंडिया जाने में कितना समय लगता था लल्ला भैया पहले कांग्रेस के राज में? किलोमीटर भी गांव के अंदर सड़क नहीं थी, 15 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर गांव गांव में सड़कें हैं, हरदा में भी सड़कें हैं। जरा जवाब तो दो, 50 साल का हिसाब बताओ ना। किसानों को काफी कुछ दिया, हम किसान यूनियन के फिर भी आरोप रहते हैं किसानों के लिए काम नहीं किया, क्या कहेंगे? पिछले एक वर्ष से सरकार की गलत नीति से किसान इतना परेशान है कि आप बता नहीं सकते, फसल बेचना मतलब एक दूभर परेशानी हो गई है उसको, हर जगह लाइन में लगा के रखा है सरकार ने। यानी पिछले देश आज़ाद हुआ जब से आज तक मैं खेती करते 40 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक ऐसा परेशान नहीं हुआ जो इस सरकार में हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पिछले दिन 2 दिन पहले एक सिंधी की बच्ची जो सड़क हादसे में मरी है, उसका कारण क्या है कि हैवी ट्रैफिक जो है उसकी कंट्रोलिंग नहीं है, ना हमारे पास कोई रोड मैप है कि एक इसके पहले सरूजा जी का एक कोई बालक की दुर्घटना हुई थी ट्रैक्टर नगर पालिका के ट्रैक्टर से हुई थी। अगर ये बच्चियां मर रही हैं, ये हमारे बच्चियां मर रही हैं, अगर किसी का बेटा मर रहा है तो उसकी माँ भी तड़प रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये व्यवस्था सुधार क्यों नहीं आई है? कांग्रेस को क्यों कोसती है भाजपा? देखिए, कांग्रेस का हमेशा दूसरों पे आरोप लगाने का काम रहा है। हमारे जब हमारे उनके सरकार में हमारे विधायक थे, बीजेपी के विधायक थे, तो हम हरदा को जिला बना पाए, और एक इनके विधायक होने के केंद्रीय विद्यालय भी बना पा रहे, तो इनका सिर्फ हमेशा लांछन लगाने का काम है, करते कुछ नहीं है। मेरा ये अभी तक जो आपने सुना है जो सत्य है उसको तो स्वीकार करिए। ये जितने किसान नेता बैठे कांग्रेस के, पिछले साल का 200 रुपये बोनस इनके खाते में गया, 265 रुपये बोनस पिछले इस साल का गया, 100 रुपये चने का गया, लाखों रुपए सब्सिडी इनके खाते में जा रही है। उसके बाद ये जितनी सब्सिडी
आप वहीं बैठो। देखो जो चीज सही है उसको तो स्वीकार करो, विगत पांच वर्षों में बोनस और बीमा के नाम से जो पैसा आपके खाते में आया वो मंदिर में दान कर दो। भैया बता रहे खड़े होकर बैठ रहे थे, वो किसानों के विषय में बात कर रहा हूँ। किसान हूँ मूलतः, किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि 2000 मैं आपको आंकड़े सहित बता रहा हूँ, और ये ध्यान से कांग्रेसी मित्र सुने कि आपकी सरकार जाते जाते जो वित्तीय वर्ष 4-5 यानी इससे पहले 3 वाला जो मामला था, 3 में ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन जो किसानों का जब से सबसे बेहतरीन जो कृषि यंत्र होता है वो ट्रैक्टर होता है, वित्तीय वर्ष 2-3 में जो ट्रैक्टर खरीदे थे किसानों ने पूरे मध्य प्रदेश में 28,528 ट्रैक्टर खरीदे थे एक वित्तीय वर्ष में, जबकि 16-17 में मैं सुन रहा था इनको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि पढ़ लिख के आए, मैंने फिर बोला इस साल जो 16-17 में ट्रैक्टर मध्य प्रदेश में खरीदे गए हैं किसानों के द्वारा वो 4,88,000 खरीदे हैं। ये आर्थिक आंकड़ा है, ये मध्य प्रदेश सरकार में पंजीकृत ट्रैक्टरों की मैंने संख्या बताई है। लल्ला भैया पढ़े लिखे हैं, एक चीज वही बता रहा हूँ, पढ़ ले कितने खींच के लाए कितने गए ये सब आपको मिलेंगे, एनपीए के आंकड़े आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो जमीन पर यथार्थ के धरातल पर है, कृषि के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है ये वैश्विक स्तर पे मध्य प्रदेश की हुई है और जबरदस्त हुई है। आप फाइनेंस की स्थिति जो है मैं सारी चीजें बताऊंगा, आपको सारे तथ्य बताऊंगा, लेकिन ये सुनना सीखे बोलने से पहले तो इनकी अध्ययनशीलता बढ़ेगी। कृषि के क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे जबरदस्त हुआ है मध्य प्रदेश में। मैं आपकी इन्होंने जब सरकार जाते जाते आंकड़े थी वो बता दूंगा। थोड़ी विकास की लेकिन ये बात हो रही खाने की। अभी एक मुद्दा और उठा है कि विधायक जी जगह जगह पंगत खाने जाते हैं, भाजपा के एक नेता है डॉक्टर विशाल बघेल, इन्होंने पंगत पे आरोप लगाया, विधायक जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सुख दुख में अगर किसी के सुख दुख में शामिल होना गलत है तो मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को चैलेंज करता हूँ कि ये भंडारे करते इंदौर में और दूसरी जगह शहरों में भोपाल में कलश यात्रा क्यों निकालते, क्यों साड़ी बांटते, क्यों भंडारा करते हैं? मैं विशाल बघेल कांग्रेस वालों की हमेशा आदत रही है कि मुद्दे को तोड़ मरोड़ के बनाना। मैंने कहा था कि विधायक जी सिर्फ पंगत खाते काम नहीं करते, मैंने पंगत पे कुछ नहीं, आप बहुत पंगत के कम से कम काम तो कीजिए, काम कुछ नहीं कर रहे हो सिर्फ पंगत खाए जा रहे हो, और विधायक जी एक भी अपना निमंत्रण नहीं भूलते, हर निमंत्रण में जाते हैं, काम कर रहे हो का पूछो तो बोलते कि मैं मेरी सरकार नहीं है। यदि कांग्रेस को गरीबों से परेशानी है तो खुद जाकर एक दिक्कत हटा दे, गरीब हमारी आत्मा व्यवस्था है, गरीब हमारे है, भाजपा की सूची है और उस सूची से मकान बन रहे हैं।
आज जो स्थिति बनी हुई है, मैं बड़े जिम्मेदारी से जवाबदारी से एक बात कहने जा रहा हूँ, आज जो स्थिति बनी है भूतो न भविष्यति। आज स्थिति ये बनी कि चना खरीद लिया गया किसान से, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि आप आपका चना उठा के ले जाओ। कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट की है? आपके पास मैं इस सरकार को देख रहा हूँ कि केवल प्रचार प्रसार पर चलने वाली सरकार है, घर में अन्न नहीं है और गांव गांव भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मेरा निवेदन एक, घर में अन्न नहीं है गांव गांव भंडारे का चुप रहो बीच में बोल भाई देवी सिंह, अपन दोनों एक राशि के हैं, चुप रहो। हाँ, मेरा निवेदन ये है, भंडारे के आयोजन का पर्याप्त प्रचार हो रहा है। भंडारे में आके जाने वाला भूखा जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये नहीं दिखाया जा रहा है। एक कॉलेज में जवाब आपसे फिर मांगा है, ला कॉलेज का? हाँ, ला कॉलेज सेंक्शन है, ला कॉलेज खुलना चाहिए, ये कॉलेज व्यवस्था नहीं कर रहा। मैं सब एडमिशन की बात, जैसे एडमिशन की बात आ रही, सबसे पहले एडमिशन मैं लूंगा, ला कॉलेज पढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ, इसके बाद एडमिशन हम कराएंगे, ला कॉलेज का एडमिशन चालू करें। दूसरा, मॉडल कॉलेज मेरे टाइम में आया है, मॉडल कॉलेज के लिए जमीन अलॉट नहीं कर रहा शासन, इसलिए तकलीफ है। मॉडल कॉलेज के लिए 10 एकड़ जमीन चाहिए, 6 एकड़ देकर नहीं दे पा रहे, इसलिए तकलीफ आ रही मॉडल कॉलेज की। तीसरा, रेलवा रोड की जो बात आ रही है वो है मसनगांव से हंडिया रोड, मसनगांव से हंडिया रोड के टेंडर 30% निकल गए, 30 बार निकल गए। उस रोड की ये हालत है कि उसका 75% मेरे पहले पेमेंट निकल गया था। उसका पैनल मेरे आने से पहले ही निकल गया था, इस कारण से नहीं बन पा रहा है वो रोड, उसमें कम पैसे इसलिए ठेका नहीं ले पा रहा। इसी तरह हटिया से गुंडास रोड भी पड़ा है। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, 2018 में विधायक बनूंगा और सबसे पहले हरदा में लॉ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और मॉडल कॉलेज तो हमने खुलवाई दिया सरकार ने, बाकी भी करेंगे और कृषि महाविद्यालय भी लाऊंगा। अब तक क्यों नहीं खुला? देखिए भाई, देखिए, एक साथ सब नहीं होता, जब कुछ भी नहीं था यहाँ, जो कुछ भी हुआ 20 साल में मेरे कार्यकाल में हुआ है और जो बचा हुआ काम है वो भी हम करेंगे, क्योंकि इसने जो काम किया उससे इनका सफाया हो गया है और आगे विधानसभा चुनाव का रिजल्ट पता लग जाएगा। चुनावी चौपाल कार्यक्रम में आम जनता ने जहाँ अपनी बात रखी, वहीं नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। आम जनता के ऊपर नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का कितना असर है, ये तो चुनाव में पता चलेगा। चुनावी चौपाल के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौड़।